हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार एक नए वीडियो के साथ, और हमारा जो लोन सीरीज चल रहा है उसी में आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन। और हमारे मित्र, हमारे लोन एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, इनका नाम मैं तो सोच रहा हूँ मिस्टर लोन ही कर देते क्योंकि लोन में ही हमारी मदद कर रहे हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ आज पर्सनल लोन में कि पर्सनल लोन लेने के लिए कैसे लें। साथ ही साथ मैं ये भी समझने की कोशिश करूँगा कि अगर मेरी सिविल थोड़ी बहुत ख़राब है, मैं बहुत की बात नहीं कर रहा हूँ, तब क्या करें। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका ना अपना, जिन्होंने अपनी सिविल को बहुत क्रेडिट कार्ड के थ्रू ख़राब कर रखा है, तो वो भी सावधान हो जाए। और ये देख सकते हैं कि कैसे अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सिविल ख़राब है तब भी कैसे कुछ टैक्टिक्स, किस तरह से चीज़ों को यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सैलरी क्लास के लिए। अभी तक हमने केवल शॉप जो स्वैपिंग मशीन थी उसके लिए या जो छोटे रिटेलर थे उनके लिए भी बात किया। तो आज हम समझना चाहेंगे कि पर्सनल लोन कैसे लें, अगर आपका सिविल ख़राब है तो कैसे काम करें, और पर्सनल लोन किसको मिल सकता है, और किन तरह के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना ना भूलें। तो श्रेष हम शुरू करते हैं कि पहली चीज़ कि पर्सनल लोन किसको मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी, मिनिमम कंडीशन क्या है। देखिए, सबसे पहले बेसिकली पर्सनल लोन केवल सैलरीड पर्सन को मिलता है, ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। अभी तक हमने जितना भी वीडियो बनाया वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स के लिए बनाया है। हाँ, ये उनसे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये केवल सैलरीड बंदे को मिलेगा, ये सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे को नहीं मिल सकता। यानी कहने का मतलब है कि जो पर्सनल लोन है केवल केवल सैलरी क्लास को मिलेगा। बिल्कुल, यानी मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मुझे नहीं मिलेगा। आपको नहीं, आपको बिजनेस लोन मिलेगा, आपको पर्सनल लोन नहीं मिल सकता, आपको बिजनेस लोन मिलेगा। चलिए ठीक है, इसमें और क्या कंडीशन है, क्या सैलरी होनी चाहिए। एक हमारे, मैं अपने ऑफिस का एक एग्जांपल दे दूं फिर आगे बात करते हैं। हमारे स्टाफ है वो लोनी एरिया में रहते हैं, लोनी दिल्ली में, एक आप कह सकते हैं थोड़ा सा दिल्ली में तो नहीं, यूपी में ही आएगा, और थोड़ा सा गांव टाइप एरिया है वो। जहां भी लोन अप्लाई किया, क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, पता नहीं सैलरी भी अच्छी है ना, उसका क्रेडिट कार्ड बनता है ना लोन हो पाता है। देखिए, तो यहीं से पहले शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोस्टली बैंक्स का अपना एक क्राइटेरिया होता है, वो अपना सारे लोकेशंस के हिसाब से उनका लिस्ट एक होता है, और अगर वो उनके लिस्ट में, वो नेगेटिव लिस्ट में है वो जगह, वो एरिया, तो उस जगह के लोगों को वो प्रेफर नहीं करते हैं किसी भी तरीके का लोन देना, क्रेडिट कार्ड देना, जैसा कि आप बता रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम सैलरी क्या होनी चाहिए। देखिए, इसमें दो बातें मैं बोलूँगा। पहली बात तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमें उन्हीं सैलरीड लोगों को लोन मिल सकता है इसमें जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं, एटलीस्ट प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड या फिर गवर्नमेंट जॉब। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल, पार्टनरशिप के एम्प्लॉइज को नहीं मिलेगा, प्रोप्राइटरशिप के एम्प्लॉइज को पर्सनल लोन नहीं मिलता है। कोई बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं देता है, जनरली नहीं देता, जनरली नहीं देता है, 99.9% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं देते हैं। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर प्राइवेट जॉब में है तो एटलीस्ट वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। दूसरी बात, जो आपने मिनिमम सैलरी पूछा, मिनिमम सैलरी का क्राइटेरिया मोस्टली जगह पे 25,000 है पर मंथ, किसी किसी जगह पे वो 20,000 भी है। यानी कि मोटा मोटी मैं मान के चलता हूँ 20,000। यस, कि 20,000 के नीचे है तो आपको लोन नहीं होगा। टू इन हैंड, नॉट ग्रॉस सैलरी। वो मतलब एक चीज समझिए, ये सीटीसी का खेल नहीं है, नहीं है। ये है कि आपके हाथ में इतना पैसा आना चाहिए। यस, नेट पे होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा नॉर्मल केवाईसी, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, 3 months की सैलरी स्लिप और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। दैट्स इट, इसमें और कोई डॉक्यूमेंट आपको देना नहीं। अब मेरी एक चीज़ ये थी कि अगर मेरा थोड़ा सिविल ख़राब है तो मुझे किस तरह के बैंक को अप्रोच करना चाहिए, पहला क्वेश्चन। मैं पहले दो क्वेश्चन पूछ लूँ। दूसरा, होता क्या है कि जब भी मैं लोन अप्लाई करता हूँ मेरा सिविल हिट होता है। बिल्कुल, सिविल हिट होने की वजह से मेरा जो नंबर्स थे, जो सिविल नंबर्स या पॉइंट्स होते हैं वो कम हो जाता है। तो मुझे ये बताइए कि अगर मेरा सिविल, मुझे पता है कि मैंने क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्ट, जो कि बहुत नॉर्मल है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ तो कॉमन कल्चर है क्रेडिट कार्ड के, मतलब मिनिमम पे करते हैं। एक चीज़ मैं मिनिमम पे वाले को बता दूं कि अगर आप मिनिमम भी पे करते हैं उस केस में भी आपका सिविल हिट होता है। बिल्कुल, तो वैसे हमारे नंबर बहुत है। तो अब मुझे पता है कि मेरी जो सिविल की जो रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बुरा है, उस केस में मुझे क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। पहली चीज़, देखिए, नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी बैंक या एनबीएफसी एटलीस्ट 650 का स्कोर देखती है कि आपका 650 का स्कोर तो होना चाहिए अगर आपको पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल मानती है तो। अगर आपका इसके भी नीचे सिविल स्कोर है तो फिर वही बात है, 99.9 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको लोन नहीं देंगे क्योंकि आजकल सभी अपना एनपीए को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोन कोशिश करेंगे कि वो ना ही दे, अनटिल एंड अनलेस कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन होगा आपका लो सिविल स्कोर का। दूसरी बात, आप
आपने बोली कि आपका अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर कम होता है, तो यहाँ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि कई लोग होते हैं जो सिबिल स्कोर चेक करने के बड़े शौकीन होते हैं, तो वो ना करें, क्योंकि एक सिबिल इंक्वायरी पे आपका मिनिमम 3 points लूज कर रहा है। यस, मिनिमम 3 point आपका कटता है अगर एक बार आप अपना सिविल इंक्वायरी करते हैं तो बिना मतलब का आप क्रेडिट कार्ड ना अप्लाई करें, बिना मतलब का पर्सनल लोन ना अप्लाई करें, मजे में जो हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। जो लोग अब मैं एक क्वेश्चन अपने यूजर का ही लूँ, एक हमारे यूजर ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने कहा कि मेरा एक लोन चल रहा था, मैंने लोन को इसी के संदर्भ में, इसलिए मैं उस पॉइंट को ले रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ता, तो मैं उनके पॉइंट को, हमारे नोएडा के एक मित्र हैं, उन्होंने हमें मेल डाला कि मेरा क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट था, वो हमने सेटलमेंट 1 साल पहले कर दिया, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लगभग उनके 400 days हो चुके हैं और उनके पास NOC भी था, लेकिन बैंक ने सिबिल को कन्फर्म नहीं किया। पहली प्रॉब्लम, उससे क्या हुआ कि जो उनका सिविल स्कोर था खराब था, इस केस में आप उनको क्या एडवाइस देते हैं? देखिए, मैं या उनके पास क्या प्रॉपर जस्टिफिकेशन है या नहीं है? मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अगर उन्होंने लोन सेटलमेंट किया है तो उन्हें NOC नहीं मिला होगा। लोन सेटलमेंट के, लोन या क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट पे कभी भी बैंक NOC नहीं देती है। बैंक NOC आपको तभी देती है जब आपने पूरा लोन विथ इंटरेस्ट आपने पे कर दिया है। अगर आपने लोन सेटल किया है तो बस यही होगा, वो बैंक से आपका पीछा छूट गया, वो बैंक अब आपको कॉल नहीं करेगी, बैंक के लिस्ट से आप हट चुके हैं, लेकिन वो सिबिल में रिपोर्टेड रहेगा और आपका सिबिल स्कोर वैसे ही जैसे इंपैक्टेड था वैसे ही रहेगा, लो का लो ही रहेगा वो। लेकिन एक चीज बताइए, अगर मैंने सेटलमेंट कर दिया तो मेरे पास उसकी जस्टिफिकेशन है, जब मैं लोन अप्लाई कर रहा हूं, क्या मैं जस्टिफिकेशन दे सकता हूं और एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा कि मेरा जो लायबिलिटी था, जो भी मेरी सेटलमेंट हुई बैंक से, तो मेरे चाहने से तो हो नहीं सकती है, बैंक के कहने पे ही वो सेटलमेंट हुई होगी। अगर 1 lakh की लायबिलिटी थी, मैंने 60,000 में सेटल कर लिया, तो मेरी लायबिलिटी तो निल है। क्या उस केस में लोन कंपनी मेरे बात को कंसीडर करेगी या नहीं करेगी? भाई, मैंने आपको बताया 99% केसेस में नहीं करेगी। जैसा आपने बताया 1 lakh का अगर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट था और आपने 60,000 दिया, तो जो नेक्स्ट फाइनेंशियल कंपनी है वो यही सोचेगी कि आपने 40,000 का फ्रॉड किया, आपने क्यों नहीं दिया, डिफॉल्ट किया। वो तो जिस बैंक ने आपसे 60,000 लिया, वो बस ये सोच के लिया कि मेरा जितना पैसा आ सकता है वो आ जाए, लेकिन आप सिबिल के लिस्ट में एक डिफॉल्टर ही रहेंगे क्योंकि आपने लोन सेटल किया है। ये समझना बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं लोन मैंने सेटल कर दिया, दैट मींस मेरा सब ठीक हो गया। बिल्कुल नहीं। अगर आपने 2 रुपए से भी लोन सेटल किया है तो आपका सिबिल स्कोर लो का लो ही रहेगा। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं लोन में बात करूँ तो बहुत, जैसे आपने स्टार्टिंग बताया कि हर बैंक के अपने लिस्ट होते हैं, उस लिस्ट में कैटेगरी ए कंपनी भी होती है, कैटेगरी बी कंपनी भी होती है। अगर मेरी कंपनी कोई एक्स कंपनी है और कैटेगरी ए में आती है, लेट्स जो मैं HDFC की ही बात करूँ, मैं HDFC का एम्प्लाई हूँ या इन्फोसिस का या विप्रो का एम्प्लाई हूँ, क्या उस केस में मेरी ये 20,000 से 25,000 की कंडीशन अप्लीकेबल होगी? बिल्कुल, ये तब भी होगी। बिल्कुल, तभी मुझे उसके कुछ एग्जेम्पशंस नहीं मिले। नहीं, आपको एग्जेम्पशन यही मिला हुआ है कि आपका मिनिमम सैलरी 20-25,000 ही है। यहाँ पे मैंने बेस्ट ऑप्शन ही बताया, अदरवाइज अगर आप किसी ऐसे कंपनी में है जो लिस्टेड नहीं है बैंक, तो वो मिनिमम सैलरी फिर एटलीस्ट 30,000-35,000 ऐसे होना चाहिए। यानी कि जो ये मिनिमम सैलरी का जो कंडीशन है, ये भी कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। ये हमने एक ऐसे ही थंब रूल लिया है कि अगर इतना है तो हो जाता है। यस, होने के चांसेस हैं, होने के चांसेस हैं। तो चलिए सुरेश, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए, उसमें कोई परेशानी आ रही है और थोड़ा बहुत सिविल खराब भी है, तो आप हमसे एडवाइस ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दें, हमारी टीम, हमारे मित्र हो सकता है कि कनेक्ट हो या कोई और हमारी टीम से कनेक्ट हो, आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे अप्लाई करें और हम आपकी मदद भी कर सकते हैं कि कहाँ से अच्छे रेट में कम दाम पर आप अपना कर सकें। हम यहाँ पे वो नेम और किसी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, यहाँ हम किसी कंपनी की ब्रांडिंग या प्रमोशन करना चाहते हैं जो कि डायरेक्ट आपको पता चले या हमारे लिए भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कोई लोन चाहिए, तो हमारे जो मित्र हैं ये आपकी मदद कर सकते हैं। लोन मैन ही है, मैंने उनको स्टार्टिंग में कहा, तो अगर लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो ये आपकी मदद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। साथ के साथ हम फायर TV पे भी हैं और एंड्रॉयड TV पे भी आ चुके हैं। अगर आपके घर पे एंड्रॉयड TV है तो आप एंड्रॉयड TV में भी जाके हमें देख सकते हैं। YouTube पे तो हैं। अगर आपके कोई कलीग लोन या पर्सनल लोन की कोशिश कर रहे हैं, आप ये वीडियो जरूर शेयर करें, सो दैट कि उन्हें भी पता चले कि किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन और क्या रिक्वायरमेंट होती है। और दिल्ली NCR में भी हम कोई आपकी मदद कर सकते हैं, दिल्ली NCR के बाहर हम कोई मदद नहीं कर सकते एक्सेप्ट एक एडवाइस देने के अलावा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।